Hello everyone, welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers, and I am Ajay welcoming you to all. And today we will start chapter number 2 of your class 12th biology. बेटा आज हम chapter number 2 start करने वाले हैं और हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. और अभी तक हमने जो दो chapter complete किए हैं, chapter number 1 और chapter number 3, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. chapter आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और पूरी कोशिश की जाएगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, बट वी विल ट्राई टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी विल सिंप्लीफाई ऑल द टर्म्स दोज वर रिलेटेड टू दिस. And this is very challenging for all of you, but you have to work hard along with me to just understand or digest all the concepts. So without wasting the time, बिना time गवाए start करते हैं बेटा. जो सबसे पहले topic आपको इस chapter में पढ़ने हैं, flower. सबसे पहले आपको, चूंकि reproduction है किसमें, flowering plants में, इसका मतलब हम angiosperm की बात कर रहे हैं. जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाएगी, आप समझ लीजिए कि एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है. तो एंजियोस्पर्म की बात जब हम करेंगे तो उसमें चूंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या साइट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फ्लावर है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एक्चुअली फ्लावर क्या होता है. देयर आफ्टर हियर वी विल डिस्कस सेपल, पेटल्स, और वी कैन से दैट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. फिर हम आएंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में. जैसा कि हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे तीन चेंजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. तो यहां पे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी हम यहां पे पॉलन ग्रेन्स का बनना और एग का बनना, या एग कहां बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहां बनते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं. अब उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. यहाँ पे बेटा हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे किसका, एंथर का. ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखेंगे एंथर का, उसके साथ साथ फिर आप आएंगे एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर देखेंगे. डबल फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट हियर ट्वाइस, फर्स्ट विद द एग न्यूक्लियस एंड सेकेंड विद द पोलर न्यूक्लियस. तो यहाँ पे दो बार फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, एक बार किससे, न्यूक्लियस से, एग के न्यूक्लियस से. दूसरी बार जो दो पोलर न्यूक्लियस होती है, जब हम डिस्कस करेंगे किसका, एंडोस्पर्म या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक, वहां से हम आपको बताने वाले हैं. नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. ये सारी चीजें जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद की जितने भी जायगोट बनने के बाद की जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट देयर आर सम यूनिक मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे आपको एपोमिक्सिस, कैसे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फ्यूजन के, और पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कैसे एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन वेरी डिटेल, और हमें उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझेंगे. एंड दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर यूनिट नंबर 1, दैट इज व्हाट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ जैकोब कैमरेरियस, यानी 1694 में रुडोल्फ जैकोब कैमरेरियस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कवर किया. हियर एज यू नो दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मिंग द जायगोट, एंड जायगोट विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस और सर्टेन डिविजंस टू फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स. सो ऑल दीज प्रोसेसेस वी विल डिस्कस हियर क्विकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाला है बेटा एक्चुअली फ्लावर क्या होता है. दिस इज द ऑर्गन, सॉरी, फ्लावर इज द ऑर्गन विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी फ्लावर क्या है, एक ऑर्गन है जिसे हम कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, we can also see that flower is the site of sexual reproduction. yani flower kya hai,
फ्लावर साइट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी फ्लावर चूंकि हम कह सकते हैं या ऑर्गन है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहां कह सकते हैं फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से आपको हमने बताया। अगर आपको बात करें बायोलॉजिस्ट की, टू अ बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर हम बात करें एक बायोलॉजिस्ट कैसे फ्लावर को डिफाइन करता है, तो फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, फ्लावर आपका देखा होगा कि दिस इज जस्ट वॉज ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल वैल्यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स गुड लुकिंग, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स दैट जो हम बाहर से हम देखते हैं, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मीन्स दैट बिकॉज ऑल दोज इवेंट्स दोज टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस हियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली हो कहां रहा है, itself is taking place in the flower। yani flower kya hai, morphological, agar morphological mein hum kya karte hain, external is jo characteristics hain uski baat karte hain, and embryological, embryological means that all those embryonic changes, ya hum keh sakte hain jo bhi events hone wala hai sexual reproduction mein, all will take place there। so biologist is tarah se flower ko kya karte hain, define karte hain, jaisa aapne lower classes mein padha bhi tha, जो आपका फ्लावर होता है उसके पास चार पार्ट्स होते हैं, दो जार आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, सिपल्स, पिटल्स एज वेल एज स्टैमेन एंड पिस्टिल। सिपल्स पिटल्स ये क्या थे, प्रोटेक्टिव थे, स्टैमेन्स और पिस्टिल क्या था, दिस वाज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली। अब हम यहाँ पे हायर क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी सिपल्स होते हैं, ऑल सिपल्स टुगेदर फॉर्म्स कैलिक्स, ऑल द पेटल्स टुगेदर फॉर्म कोरोला, एंड ऑल द स्टैमेन्स टुगेदर फॉर्म एंड्रोसियम, एंड ऑल दोस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सिंपली फॉर्म व्हाट, गाइनोसियम। तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल बाय मींस ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्राम। आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक टिपिकल फ्लावर का। सो द पार्ट फ्रॉम विच वेरियस ऑर्गन्स आर अटैच्ड, दीज आर नोन एज व्हाट, थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये क्या है बेटा, थैलेमस या रिसेप्टिकल है, जिससे जितने भी पार्ट्स हैं वो यहां पे आके अटैच होंगे। देयर इज ए स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड हियर इट बिकम्स सोलेन, दिस इज व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज नोन एज स्टिग्मा, दिस वन इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस वन इज नोन एज ओवरी। यानी हम इन तीनों को अगर मिला लें तो इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इट मींस दैट दिस इज व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ व्हाट, फ्लावर। देयर विल बी मोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो फ्रॉम हियर देयर आर व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दीज आर हियर बाइलोब्ड, वी कैन जस्ट मेक इट हियर लाइक दिस, दीज आर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स, दिस वन इज ऑल्सो हियर, and this one is also, okay, so all these are the male reproductive structures, these are what, filaments, और ये आपका क्या है, this one is anther, anther bilobed होता है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, stamen, यानी anther और filament मिलके क्या बनाते हैं, stamen, and stamen is the male reproductive organ in the case of flower, vestibular ovary together form pistil, that is what, female reproductive organ। अब हम यहां से देखते हैं बेटा टू मोर पार्ट्स, नाउ द स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स दिस लाइक दिस
this one, and we will make few more like this. These are the petals. ये क्या होते हैं? Petals. And all the petals together, जितने भी petals हैं उनको हम एक साथ अगर मिला लें तो क्या कहते हैं? Known as what? Corolla. And two more parts, these are the just what? These are the what? Sepals. और जब आप सभी sepals को क्या करेंगे? मिला लेंगे तो इनको हम कहेंगे क्या? Calyx. ठीक है, तो दिस वॉज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एज वेल एज ऑल दोज प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ओके, सो लेट्स क्विकली रिकैप दीज पिस्टिल एंड स्टैमेन, बिकॉज दीज आर जस्ट टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स. एंड दीज सेपल्स एंड पेटल्स, these are directly not taking part in sexual reproduction, hence these are also known as protective structures, or we can say that non-essential parts. Okay, so what is the conclusion? Now we will discuss that. मैंने आपको बताया था इसके पास there are two important things. Okay, so a flower has two holes, outer two holes. That is what? Calyx and corolla. These are known as non-essential holes, because these are protective in function and do not directly takes part in sexual reproduction. Yani हमने जो बताया कि आउटर टू होल्स दोज वर कैलिक्स एंड कोरोला, ये बेटा क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं. डायरेक्टली ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं. एज यू नो दैट सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड मोस्टली दीज आर प्रोटेक्टिव, एंड पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड for attracting the insect for the pollination. Yani jo petals hote hain wo brightly colored hote hain aur jo sepals hote hain wo usually green color ke hote hain. dono ke dono kya hote hain non essential parts. Next, inner two yani hum baat kar rahe hain androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium, or we can also write stamen and pistil, are essential parts, or essential holes we can write here, because taking part in sexual reproduction. यानी जो अंदर के दो होल्स हैं वो क्या है? एसेंशियल है. नेक्स्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट. यानी अब फ्लावर क्या है आपका? ये मॉडिफाइड सूट है. कैसे? लेट्स कंसीडर, सपोज दिस इज अ स्टेम, इट हैज नोड एंड इंटरनोड. ये कोई क्या था? स्टेम था जिसके पास क्या थे? नोड और इंटरनोड थे. यहाँ पे मान के चलते हैं जो एपिकल पोजीशन था, दिस वाज द एपिकल मेरिस्टमैटिक पोजीशन. हियर दिस स्ट्रक्चर वाज, इट मींस दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था. यहाँ पे क्या था बेटा? आपके पेटल्स थे, सॉरी यहाँ पे क्या थे? आपके स्टैमेंस थे. एंड हियर देयर वाज पेटल्स एंड हियर वाज देयर सेपल्स. मान के चलते हैं ये एक टिपिकल क्या था? स्टेम था. यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी नोडल पोजीशंस थी
वहां पे क्या है, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट था। अगर हम इसको क्या करें, प्रेस कर दें, तो कुछ तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। सब प्रेस करने के बाद ये क्या बनेगा, लाइक दिस। यानी ये वाला स्ट्रक्चर कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कहां आएगा, इसके बगल में आ जाएगा, ओके, लाइक दिस। दिस वन विल आल्सो बीनीथ दिस, और इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर। सो दिस विल सिंपली फॉर्म्स अ फ्लावर। यानी कैसे बनता है, हमने देखा कि एक स्टेम था, उस पे हमने अलग अलग अरेंजमेंट देखा, किसका, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पेटल्स का और सेपल्स का। उसके बाद फिर हमने देखा वो कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं। सो व्हाट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट हैविंग एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड वेरियस पॉइंट रिलेटेड टू द फ्लावर। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, we will discuss now next term. This is very very important. When sepals and petals are not differentiated, this line is very very important. When sepals and petals are not differentiated, undifferentiated, we can write here in a simple words, undifferentiated holes are, while sepals, this line is very 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 important, note karenge aap, while sepals and petals are not differentiated, undifferentiated holes are known as perianth। yani jab sepals or petals differentiate nahi ho pate, to jo undifferentiated hole banti hai use hum kya kehte hain, perianth kehte hain। This one is also important, and each member of perianth is called tepal। यानी जब sepals और petals की row holes differentiate नहीं हुई तो वो है perianth, और perianth के जितने भी member है उनको हम क्या कहेंगे, tepal कहेंगे। All these were the very important point from your टॉपिक, दैट इज वॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और क्वेश्चन बेटा हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। यानी हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, स्टैमेन की बात करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे व्हाट स्टैमेन, इट मींस दैट हियर वी आर डिस्कसिंग विद व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव व्हाट ऑर्गन, स्टैमेन की बात करते हैं। तो स्टैमेन इज जस्ट व्हाट हैविंग टू पार्ट्स, having two parts, यानी stamen जो है बेटा इसके पास दो parts हैं, जिसे आप कहोगे anther and filament। यानी कुछ यहां से हम डायग्राम से देखते हैं, this is simply what we will make it here like this, this is just what anther, this one is just what filament, this one is known as distal end, and here this one is known as what, dorsal end, okay। and here there is a what, these two are just simply attached by means of a covering or connection, that is known as connective, okay। anther beta kya hote hain, these are bilobed, yani most of the cases mein kya hote hain, anther kya hote hain, bilobed hote hain, yani inke paas kya hota hai, do lobes hote hain, as such bilobed anthers are known as dithecous anther। yani anther ke paas do possibility hai beta, pehli ये डाइथीकस हो सकते हैं या मोनोथीकस भी हो सकते हैं, दीज में भी मोनोथीकस और दीज में भी और डाइथीकस। सो एंथर में भी मोनोथीकस, मोनोथीकस कहाँ होते हैं, नाम से ही क्लियर है, एम यहाँ पे भी रहेगा बेटा और एम यहाँ पे, मालवेसी फैमिली। यानी जो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स हैं वहां पे एंथर क्या है, मोनोथीकस है, बट अगर आप बात करें डाइथीकस की तो मालवेसी फैमिली के अलावा और जितने भी मोस्ट केसेस हैं वहां पे एंथर क्या है, डाइथीकस है।
यानी अभी तक हमें पता चला कि एंथर क्या है, इसके पास दो लोब्स होते हैं और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सॉरी डायथीकस कहते हैं। और डायथीकस होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास दो लोब है बट कहीं कहीं सिंगल लोब है। सिंगल लोब को हम कहते हैं मोनोथीकस, जो कि कहां फैमिली जो है मालवेसी उसमें हमको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंथर एंड फिलामेंट। अभी हमने आपको बताया एंथर के पास क्या है, दो लोब है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच लोब कंटेन्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक्स। यानी अगर हम बात करें कि एंथर जो कि क्या था, बाइलोब था, तो इसका प्रत्येक लोब यानी ईच लोब जो है उसके पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, बाद में जिसमें आगे चल के माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, और वी कैन से दैट पॉलन सैक्स। तो पॉलन से या दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है ईच लोब पे, इट मींस दैट टोटल देयर विल बी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन द केस ऑफ बाइलोब्ड और डायथीकस एंथर। यानी बाइलोब्ड और डायथीकस एंथर में टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होने वाली है, 4, बिकॉज एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2। ओके, सेक्शन ऑफ दिस एंथर व्हाट विल वी सी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। Okay, let's make it quickly. अगर हम क्या करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। दिस विल बी माइक्रोस्पोरेंजियम फर्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम 2, माइक्रोस्पोरेंजिया 3 एंड माइक्रोस्पोरेंजिया 4। दिस वॉज द फर्स्ट लोब यहां से, और यहां पे क्या है, सेकेंड लोब है, और बीच में बेटा क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टिव होता है। दिस इज व्हाट कनेक्टिव, दिस वाज द लोब नंबर 1 दैट हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दिस वाज द लोब नंबर 2 दैट हैव आल्सो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। दीज आर आल्सो नोन एज पॉलन सैक। सो वी कैन राइट हियर माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक्स। So we will discuss in the next video this structure in very detail. There are as many as 4 layers. We will discuss all those in very detail. So this was a general configuration of the what, male sex organ in the case of sexual reproduction of flowering plants. So in the next video we will discuss about the detailed configuration of this TS of anther with all the 4 layers. And but this was the general intro of the male reproductive organ in the case of flower, and we have discussed all this. So I hope that you will able to understand all these concepts. In the next video we will discuss the TS of anther. So that is all about for today. I hope that you will enjoy the session. आपके पास कुछ आपके सुझाव हैं कुछ comments हैं तो आप comment box में जाके छोड़ सकते हैं। You can like the video and you can also share the channel with your friends. That's why they will also benefit it. And so that is all about for today. Keep smiling and have a nice day. Thank you.